नाम पद्धति का विकास किया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमिनल नोमेना कल्चर। ऑप्शन ए जॉन मेंडल, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी बैटसन और ऑप्शन डी पीटरसन। बताना है आपको, फिर इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताऊंगा मैं आपको। किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? जॉन मेंडल, कैरोलस लीनियस, बैटसन और पीटरसन। जिसने बी जवाब दिया है कैरोलस लीनियस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैरोलस लीनियस क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने द्विनाम पद्धति या बायोनोमियल नोमेना कल्चर टेक्निक दी थी, जिसमें हम क्या करते हैं, वंश और जाति को मिलाकर नाम बनाते हैं। अब देखो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, इधर आइए। देखो ये मटर का वानस्पतिक नाम है, मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं मटर को। तो ये पाइसम क्या है और सेटाइवम क्या है? देखो पाइसम तो होता है उसका वंश और जो उसकी सेटाइवम होती है उसकी जाति। पाइसम होता है उसका वंश और सेटाइवम क्या होती है, जाति होती है। और वंश प्लस जाति मिलकर क्या बनाते हैं, वंश प्लस जाति मिलकर वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। वैज्ञानिक नामों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो वनस्पति होती है उसका नाम वनस्पतिक नाम होता है और जो जंतु होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो द्विनाम पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। और कैरोलस लीनियस से जुड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। अब इधर आ जाइए, देखो किस कोई भी आप वैज्ञानिक नाम देखोगे तो उस वैज्ञानिक नाम के पीछे आपको एल लिखा हुआ मिलेगा या ले, हिंदी में तो लिखा हुआ होगा ले और फिर डॉट, और इंग्लिश में देखोगे तो एल लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा एल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा तिरछा लिखा हुआ होगा। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम और जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं वो सब तिरछे लिखे जाते हैं। मैंने हालांकि यहाँ पर सीधा लिख दिया है क्योंकि स्लाइड में तिरछा हो नहीं रहा था, ये तो मैंने सीधा लिख दिया, इसको समझ जाना आप। तो कहीं भी आप अगर लिखोगे तो वो नाम तिरछा लिखा हुआ होगा, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम, फिर उस नाम के पीछे लिखा हुआ होगा एल। क्या लिखा हुआ होगा, एल। एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब होगा कि ये जो नाम बनाया गया है ये वंश और जाति को मिलाकर बनाया गया है और इस नाम को कैरोलस लीनियस पद्धति के आधार पर बनाया गया है, कैरोलस लीनियस पद्धति के आधार पर बनाया गया है। और कैरोलस लीनियस पद्धति किस किस से मिलकर बनी होती है, वंश प्लस जाति से। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक और वानस्पतिक नाम होते हैं वो किन किन से मिलकर बने होते हैं, तो वंश प्लस जाति से मिलकर बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आपके बिल्कुल जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करूँगा मैं, ताकि आपको आगे कभी समस्या नहीं हो। अब आगे जाओगे आप बड़ी क्लासों में, जब कोई सी छोटी चीज़ पढ़ोगे कि हाँ यार ये एल ये मुझे आता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने एक बार पढ़ा था ऑनलाइन, सर ने मुझे बताया था, बस मैं वही चीज़ चाहता हूँ। अगला सवाल है हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जॉन मेंडल, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस और ऑप्शन डी जॉन वीक। बताइए। देखो कल बात कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें हिंदी में समझ में नहीं आता। देखो वंश और जाति का मतलब है, यहाँ पर वंश का मतलब है जीनस और जाति का मतलब है स्पीशीज। वापस से देख लीजिए, वंश का मतलब है जीनस और जाति का मतलब है स्पीशीज। तो जीनस और स्पीशीज दोनों को मिलकर क्या बना है, बायोनोमियल नोमेना कल्चर बना है। और इसको ये किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल है हमारा, देखो कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आते हैं हमारे, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, कष्ट के लिए आप सभी को खेद है। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा था मैंने, जिसने जवाब दिया है सी थियोफ्रास्टस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जेट में और आईसीआर में बार बार पूछा जाता है, और जो स्टूडेंट बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो सवाल है सारे गोल्डन क्वेश्चन है। और बीएचयू का एक पेपर सोल्व करके मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उस पे उसको जाके देखिए और उसमें क्या कमी है वो बताइए मुझे। और साथ ही मुझे अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, इस ये जो लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपको एक काम करना है, सभी के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाना और कमी बतानी है आपको कि अभी कहाँ पर कमी है सर,
मुझे पता है कि कमी है, सब में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कमियां बताना मुझे ताकि मैं और अच्छा सुधार कर सकूं और आपको और अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही लाइव क्लास ख़त्म हो एक बार मुझे ज़रूर बताना कि आगे और कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक हो गया थियोफेस्टस। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी या इंग्लिश में बोलते हैं उसको बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, कभी कभी हिंदी में ऐसे बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ आ जाता है, तो जीवाणुभोजी भी याद रखना और बैक्टीरियोफेज भी याद रखना। जीवाणुभोजी और बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी बताना है आपको। ऑप्शन ए फिशर, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी ई टीवार्थ और ऑप्शन डी डॉल्टन। जल्दी से जवाब बताइए। जीवाणुभोजी की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, जीवाणुभोजी की संरचना इस प्रकार की होती है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, और इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी अभी और बताऊंगा मैं आपको। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ई ई टीवार्थ, सी वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? ई टीवार्थ ने की थी। ई टीवार्थ ने जीवाणुभोजी की खोज की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणुभोजी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, हम सब जानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, आप सब लोग जानते हो गंगा एक पवित्र नदी है, और गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, ये भी आप सभी जानते हो। ये हमारी धार्मिक मान्यता है और धर्म को धर्म की जगह ही रहने देते हैं, ठीक है, सब हम उसका सम्मान करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिकली मैं कहूँगा कि जो गंगा जल होता है ना, उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज, जीवाणु पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, ये जीवाणु और विषाणु के बीच की चीज़ होती है, जीवाणु और विषाणु के बीच की चीज़ होती है। और बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं किसमें? पाए जाते हैं गंगा जल में पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जैसे ही पानी में कोई भी जीवाणु उत्पन्न होता है, उस जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, या खा जाता है, या नष्ट कर देता है, या मार देता है, या उसका भोजन के रूप में उसको खा लेता है। तो इसीलिए जो गंगा जल होता है हमारा, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता या सड़ता नहीं है। इसका मेन जो कारण है वो ये है। हालांकि धार्मिक मान्यता है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो साइंस है उसके साइंस जो कहती है वो ये कहती है कि जो हमारा गंगा जल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है? उसके अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं, जैसे ही उसमें कोई जीवाणु उत्पन्न होता है तो वो क्या कर देता है? बैक्टीरियोफेज उसको खा लेता है और जो जल होता है उसको सड़ने नहीं देता है। तो ये कुछ बात थी। और ये इस प्रकार का होता है बैक्टीरियोफेज, इसकी संरचना ऐसी होती है। और इसका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है मेरा, आरएनए अनुपस्थित होता है जीवाणु में, कवक में, जंतु में या पौधों में, बताना है आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो, ये आरएनए की संरचना इस प्रकार की होती है। ये तो होता है डीएनए, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो हम पढ़ते थे तब, उस समय हम क्या पढ़ते थे, डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए एकल सर्पिलाकार होता है, पढ़ा होगा आपने डीएनए द्विकुंडलित। देखो, द्विकुंडलित संरचना है और आरएनए क्या है? एकल सर्पिलाकार संरचना है। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दोनों में ये न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। तो आरएनए की अनुपस्थिति कहाँ होती है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जीवाणु। कहाँ पर? बैक्टीरिया। जो आरएनए अनुपस्थित होता है वो कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु में होता है। जीवाणु या बैक्टीरिया में क्या होता है? आरएनए अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और आप जानते ही हो आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब मैं बताता हूँ आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में आ जाए कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए चार प्रकार के होते हैं, 4 types of RNA, mRNA, tRNA, sRNA और rRNA। कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? देखो, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं हमारे एग्जाम में? ऑप्शन कितने प्रकार के आएंगे? चार प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो आरएनए भी हम कितने प्रकार के करेंगे? चार प्रकार के ही करेंगे। देखो, ट्रिक से याद कर लो, जल्दी याद होगा। तो आरएनए चार प्रकार के होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एसआरएनए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, वह पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं, वह पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्योंकि सभी पौधों में पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। तो अब ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, फेनरोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और क्रिप्टोगेमस, चार ऑप्शन हैं। और ये जो चारों ही प्रकार दिए हुए हैं
दिए हुए हैं, ये वनस्पति के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? वनस्पति के प्रकार हैं, वनस्पति के वर्ग हैं, या वनस्पति की फैमिली कह सकते हो, आपको आप कह सकते हो इनको, ये अलग अलग प्रकार हैं चारों ही। तो जो पौधे जिनमें पुष्प और बीज बनते हैं वो किस वर्ग में आते हैं ये बताना है आपको। जिसने ए जवाब दिया है जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पौधे पुष्प और जिन पौधों में पुष्प और बीज बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। सभी का जवाब देना, देखो जो बच्चे एग्जाम जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब देना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मैंने एक बार अगर चालू कर दिया तो फिर सबकी लाइन लग जाती है, सर पुष्प क्या होता है, बीज क्या होता है, सारे पूछने लग जाएंगे। इसलिए मैं सारे सवाल आपके कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद में जो भी ज़रूरी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। अगला सवाल है मेरा, वायरस है, बताना है वायरस क्या है। अविकल्पी परजीवी, जिसको अभी बता दूंगा सारा ही कुछ, विकल्पी परजीवी, परपोषी और निर्जीव, सभी सब कुछ बता दूंगा अभी, इनका मतलब भी बताऊंगा मैं। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत आंसर दे दिया कोई बात नहीं। अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, परपोषी और निर्जीव, जिसने ए जवाब दिया है अविकल्पी परजीवी, बिल्कुल सही जवाब है। अविकल्पी परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं अविकल्पी परजीवी को। और अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि वायरस उस परजीवी के बिना, परजीवी जो, परजीवी का मतलब है पर का मतलब दूसरा, जीव जीव का मतलब, जीव का मतलब जीवित जीव, दूसरे जीव पर जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? वायरस है। अब देखो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं आप, एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ आपको, बिल्कुल दो लाइन की है। वायरस एक ऐसा लड़का है जो कभी स्कूल में अपना टिफ़िन लेके नहीं आता, कभी स्कूल में अपना टिफ़िन लेके नहीं आता, हमेशा दूसरों का टिफ़िन खाता है। वायरस एक ऐसा लड़का है जो कभी अपना टिफ़िन लेके स्कूल में नहीं आता, हमेशा दूसरों का टिफ़िन खाता है। आई बात समझ में? अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि वायरस हमेशा कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये हमेशा दूसरे बच्चों के, सॉरी दूसरे जीवों के, जीव पर आधारित रहता है या भोजन पर आधारित रहता है। समझ में आ गया होगा आपको वायरस क्या होता है? अविकल्पी परजीवी। अगला सवाल है हमारा, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है बताना है आपको। वसा व ग्लाइकोजन, प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, चार ऑप्शन है आपके पास में। वसा व ग्लाइकोजन, प्रोटीन, खनिज लवण व कार्बोहाइड्रेट, जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, वसा व ग्लाइकोजन, वसा व ग्लाइकोजन। जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन होता है वसा व ग्लाइकोजन के रूप में। अगला सवाल है हमारा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देखो ये जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना अभी, जो RSIS की तैयारी करते हैं जो लोग, वो बार बार ये ऑब्जेक्टिव वाले सवाल क्यों सॉल्व करते हैं बार बार? क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले सवाल सॉल्व करने से क्या होता है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है, आपके जो, आपका जो आत्मविश्वास है जो, वो बढ़ता है कि हाँ मैंने इतने हज़ार क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इसका मतलब अब मेरा जो बेस है वो क्लियर हो गया है। तो हाँ मानता हूँ कि थ्योरी पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस विल परफेक्ट मैन, मतलब एक जो अभ्यास होता है वो आदमी को क्या बनाता है? निपुण बनाता है। तो प्रैक्टिस ये चल रही है आपकी, और इससे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ आता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन आता है और उसका जवाब आपको आता है, तो आपको क्या लगता है? हाँ यार ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये मैंने पढ़ा था। फिर आप अगला क्वेश्चन देते हैं, हाँ यार ये मैंने पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होती है। तो टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आइए आप, और जो स्टूडेंट कंटिन्यू आ रहे हैं उनको बिल्कुल दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो ऐसे ही आप, आपका सहयोग बनाए रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, और सीधी सी बात है शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर्स हमारे बड़े, फैमिली हमारी बड़ी हो जाए। हमारा सवाल है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा, प्रोटीन प्लस लिपिड, खनिज लवण और सेल्यूलोज। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पूछा है यहाँ पर।
ये देखो कोशिका है, कोशिका के जो चारों तरफ का कवरिंग होगा, जब हम बात करेंगे एनिमल सेल जंतु कोशिका, यानी कि हमारे मनुष्य के शरीर की कोशिका, किसी पेड़ पौधों के छोड़कर जो सारी कोशिकाएं हो गई वो कौन सी कोशिका कहलाएगी, एनिमल सेल कहलाएगी। तो उन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली। अब आपको बताना कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। जिसने जवाब दे दिया प्रोटीन प्लस लिपिड, बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। तो ये कोशिका है, कोशिका के ये जो बाहर का कवर देख रहे हो आप, ये आउटर मटीरियल, ये किसका बना होगा, ये बना होगा प्रोटीन प्लस लिपिड का। और इसमें तीन लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है जिसमें इसमें जुड़ा होता है, सबसे पहले जुड़ा होता है इसमें प्रोटीन, फिर इसमें वापस नहीं सबसे पहले इसमें जुड़ा होता है लिपिड, फिर इसके बाद में इसमें जुड़ा होता है प्रोटीन, फिर इसके बाद में वापस से इसमें जुड़ा होता है लिपिड। तो तीन लेयर होती हैं और तीनों लेयर किसका निर्माण करती हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, ये ध्यान रखना, सेमी परमिएबल। क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, कुछ जा सकते हैं अंदर, कुछ अंदर से बाहर आ सकते हैं। किसकी बनी होती है, प्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। अगला सवाल है हमारा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जवाब दीजिए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वसा, प्रोटीन प्लस लिपिड, खनिज लवण और सेल्यूलोज, जवाब दीजिए किसकी बनी होती है। जिसने जवाब दिया है सेल्यूलोज, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, पादप कोशिका, पादप कोशिका भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका का जो बाहर वाला जो भाग होता है या मटेरियल होता है जिससे कोशिका ढकी हुई होती है, वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका को आकार प्रदान करती है और कोशिका को मजबूती प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका भित्ति होती है अपारगम्य, मतलब ना तो कोशिका से बाहर कोई चीज़ जा सकती है और ना ही कोशिका के अंदर कोई चीज़ आ सकती है, तो ये अपारगम्य होती है। और ये इसका ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये कोशिका भित्ति है, इसके बाहर ना कोई जा सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा सेल वॉल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो थोड़ा सा छोटा है ये ग्राफ, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने में समझ गए होंगे आप, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर सेल्यूलोज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता और यहाँ पर लिखा होता सिर्फ एन लिखा हुआ होता, तो भी आपका जवाब क्या होता, एन ही होता, क्योंकि सेल्यूलोज को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, सेल्यूलोज को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये शर्करा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है, किसका, शर्करा का कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज में शर्करा पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है। अब आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को अभी तक आपने नहीं छोड़ा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक से जितने क्वेश्चन नहीं बनते उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन जो बार बार घुमा के पूछ रहा हूँ, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लगभग क्लियर हो गया होगा और आगे भी हो जाएगा। तो इसका अब ये सवाल है, इससे रिलेटेड कुछ और अभी नए रिसर्च में जो जानकारी निकल के आई है वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो हमारा सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ है, मैट्रिक्स, ग्रेना, क्रिस्टी या डीएनए तत्व। अब बताना है आपको, चार ऑप्शन है आपके पास में, बताना है मैट्रिक्स, ग्रेना, क्रिस्टी या डीएनए तत्व। जिसने मैट्रिक्स जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो जेली समान तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है मैट्रिक्स। देखो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर देखो ये जेली समान जो तत्व भरा हुआ है, ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो इससे जुड़ी एक बात जानकारी बताता हूँ, दो तीन कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहला तो ये, कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है, कोशिका में एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ये, कोशिका में श्वसन कौन करता है, कोशिका में श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है।
अब दूसरी बात यह है कि जो अब नया रिसर्च हुआ है, उस नए रिसर्च में हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक महारत हासिल कर ली है। पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे इतिहास की कुंजी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे इतिहास की कुंजी। इतिहास कौन सा? हमारा जो इतिहास, जिस जीव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा उस जीव में, उस जीव का जो इतिहास छुपा होगा वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में छुपा होगा। कैसे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कई हजारों साल पुराना होता है, कई हजारों साल पुराना होता है। उसमें गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कई हजारों साल पुराने होते हैं, और उन गुणसूत्र पर अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये पता लग सकता है कि जो हमारी उत्पत्ति हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वो कौन से जीव से हुई है, हमारा विकास कैसे हुआ है, हमारा इतिहास क्या था, वो सब कुछ किससे पता चल सकता है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया से पता चल सकता है। हाँ, हम पहले आदि मानव थे, हमारा विकास बंदर से हुआ था, सारी बात ठीक है आपकी, लेकिन एक्चुअलिटी में जो सच्चाई है वो हमारी पूरी सच्चाई किस में छुपी हुई है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। क्या पता पुराने ज़माने में आप शक्तिमान हो, क्या पता आप ही गोल गोल घूम के उड़ते थे, बच्चों को बचाते थे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर आप हमारा इतिहास खंगालना है हमें, तो किसको खंगालेंगे? हम खंगालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि उसमें सबसे पुराने गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। एक एटीपी अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सवाल आता है, ये इजी सवाल नहीं है, बार बार बताता हूँ मैं, इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आज कितने दिन हो गए कंटिन्यू आपको क्लास लेते हुए, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। इसीलिए जब आपको कोई सवाल आप पढ़ते हो और आप कहते हो ना कि यार सर ये सवाल इजी है, ये तो हमें आता है, हमें आता नहीं, ये सवाल आपने पढ़ा है, आपने उस सवाल को टाइम दिया, पढ़ा, इसीलिए आपको याद हो गया। अब याद हो गया तो आपको वो इजी लग रहा है, अगर आपको अभी याद नहीं होता तो आप क्या कहते कि यार इजी नहीं है, ये तो टफ है। तो सवाल आता है तब आपको खुश होना चाहिए कि यार ये मुझे आता है। ठीक है, ऐसी बातें होती हैं कुछ। एक एटीपी अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है? जवाब किसने दिया है? जिसने जवाब दिया है 7.3 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी वाला ऑप्शन, 7.3 किलो कैलोरी बिल्कुल सही जवाब है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। कब बनते हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन करता है तो उस दौरान एटीपी अणु बनते हैं, और एटीपी अणु क्या होते हैं? हमारी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक अणु कितनी करेगा? एक अणु 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करेगा। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल है हमारा, कैमिलो गोल्जी ने किस जंतु में गोल्जीकाय की खोज की थी? कैमिलो, जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है उनके लिए है ये सवाल। कैमिलो गोल्जी ने किस जंतु में गोल्जीकाय की खोज की थी? देखो भाई, हमारी वीडियो स्टडी मटेरियल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होती है या नहीं एक बार बता दीजिए हमें, कि हमारी जो क्लास है वो अटेंड करने में आपको मज़ा आता है या नहीं आता है, क्योंकि स्टडी के अलावा मैं और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी आपको उपलब्ध करवाता हूँ, क्योंकि आप भी क्लास अटेंड करते हो तो बोर हो जाते हो, मैं जानता हूँ, हर कोई बोर हो जाता है, तो उस समय ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, कैमिलो गोल्जी ने किस जंतु में गोल्जीकाय की खोज की थी? जिसने बी जवाब दिया है, उल्लू, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किस में की थी? उल्लू में की थी। अब देखो, ये उल्लू ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रहा है, ये उल्लू हमें ही देख रहा है, जैसे भाई कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई, हमारे ऊपर आंखें मत निकालिए आप, हमसे कोई गलती नहीं हुई। चलो ठीक है, आप जाइए। अगला सवाल है हमारा, पादप कोशिका में गोल्जीकाय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए, जोलनिक डिक्टियोसोम स्ट्रोपी जी कॉम्प्लेक्स। जवाब दीजिए,
पादप कोशिका में गोल्जी गाय को किस नाम से जाना जाता है? जोलनिक डिक्टियोसोम स्टोपी या जी कॉम्प्लेक्स? जिसने बी जवाब दिया है डिक्टियोसोम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्जीकाय का दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम। इसको इडियोसोम भी बोला जाता है, इसको गोल्गी एपरेटस भी बोला जाता है। ठीक है, इसके दो तीन नाम हैं। कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका का अंग है, कोशिका में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका का महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। कोशिका का महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है, देखो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं ना, वो सब किससे मिलकर बनी है? वो सब कार्बन से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? कार्बन से मिलकर बनी है। कैसे पता करोगे? लगभग 95% कार्बन से मिलकर बनी। कैसे पता करोगे? आप किसी भी पदार्थ को जलाओ, अगर वो काला हो जाता है, दैट मीन्स वो कार्बन से मिलकर बना है। किससे बना है? कार्बन से मिलकर बना है। काला हो जाएगा तो कार्बन से मिलकर बना है, वरना नहीं बना है। कोशिका का महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होगा? प्रोटीन, जल, वसा, लवण, बताइए जल्दी से, मैराथन क्लास है आपकी, बताइए। देखो जो कोशिका का महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ जब आपसे पूछा जाएगा तो उस समय आपका जवाब होगा प्रोटीन। अगर पूछा जाए कि कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, या कोशिका का जो अधिकांश भाग होता है वो किसका होता है, तब जवाब होगा जल। यानी 99% तो जल होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ होता है, वो महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। और मैं हर क्वेश्चन पर एक इमेज लगाता हूँ, या एक कुछ भी इमेज लगाता हूँ उससे रिलेटेड। वो क्यों लगाता हूँ मैं? क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जब भी आप किसी चीज़ को सोचते हो, या किसी चीज़ को याद करते हो, या याद करने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग में उसकी क्या बनती है? एक इमेज बनती है, या एक फ़ोटो बनती है। या किसी भी चीज़ को आप सुनते हो, तो जैसे ही किसी चीज़ को सुनोगे तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बनेगी। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर। अब जैसे अभी मैं बोला, जैसे ही मैंने बोला हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर बोलते ही आपके दिमाग में क्या बना? हेलीकॉप्टर बना। हेलीकॉप्टर बना या नहीं बना? आपने हेलीकॉप्टर लिखा हुआ शब्द तो नहीं देखा ना, आपके दिमाग में सीधी एक इमेज बनी, क्या बनी? हेलीकॉप्टर। तो मनुष्य का जो दिमाग या मस्तिष्क होता है, वो हमेशा फोटोज़ या इमेज या तस्वीरों में चलता है, तस्वीरों में सोचता है। इसीलिए मैं तस्वीर लगाता हूँ कि तस्वीर से आपको प्रश्न को याद रखने में आसानी होती है। इसीलिए आप सुना करें उसको ध्यान से, और सुनने के साथ साथ इसको देखा भी करें, तो देखने से आपको याद रह जाएगा कि हाँ यार, एक बार एक सर सवाल बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने कोशिका की फ़ोटो लगा रखी थी। हाँ, कोशिका की फ़ोटो लगा रखी थी, तो इससे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ध्यान रखना कि इंसान जब भी सोचता है तो किस में सोचता है? वो हमेशा फ़ोटो में इमेजिनेशन करता है, किसी भी चीज़ की फ़ोटो उसके तस्वीर बनाता है अपने दिमाग में, और इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को समझता है या याद करता है। तो अगला सवाल है हमारा, मकरंद या नेक्टर प्राप्त होता है। मकरंद या नेक्टर प्राप्त होता है पुष्प से, पत्ती से, जड़ से, तना से, बताइए। मकरंद नेक्टर प्राप्त होता है पुष्प से, पत्ती से, जड़ से, या तने से? जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है पुष्प से। किससे प्राप्त होता है? पुष्प से प्राप्त होता है। और इससे मधुमक्खियाँ इसको क्या करती है? इसका अवशोषण करती है, फिर अपने छत्ते में ले जाती है, और क्या बनाती है? अपने छत्ते में ले जाकर सबसे वो बनाती है शहद। क्या बनाती है? शहद बनाती है। और शहद के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये कई हज़ार साल तक ख़राब नहीं होता, कई हज़ार साल तक ख़राब नहीं होता है। और जो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो शहद होता है, उसका कलर होता है सफ़ेद। अब कुछ बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सफ़ेद नहीं सर, लाल होता है। तो देखिए, लाल नहीं होता है, सफ़ेद ही होता है। मैंने बिल्कुल रिसर्च करके ही फिर आपको जानकारी दी है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो शहद होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। आपने सफ़ेद कलर का शहद, मुझे लगता है, अभी देखा भी नहीं होगा, यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखना, मकरंद या नेक्टर किससे प्राप्त होता है? पुष्प से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ चूसती हैं, और चूसने के बाद में उसको छत्ते में ले जाती हैं, और फिर उससे क्या बनाती है? शहद बनाती है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक लुप्त हो जाता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक लुप्त हो जाता है? ऑप्शन ए पूर्वावस्था, जिसको बोलते हैं प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, एनाफेज, या टीलोफेज, बताइए। सवाल का मतलब है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक लुप्त हो जाता है? सीक्वेंस पूछ रहा है वो आपसे कि सबसे पहले किस में लुप्त होता है। ऐसा नहीं कि सर तो मेटाफेज में भी तो लुप्त हो जाता है, या एनाफेज में भी तो लुप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलना है। जो सवाल पूछा है उसके वेग को समझना है।
तो जिसने जवाब ए दिया है पूर्वावस्था या प्रोफेज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा रखा है, ये कोशिका है, इसमें ये देखो ये वाली जो अवस्था है ये प्रोफेज है। कौन सी अवस्था है? प्रोफेज है। और इस अवस्था में क्या होंगे? इस अवस्था में जो केंद्रक होगा या न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा या वो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो कौन सी अवस्था में? प्रोफेज या पूर्वावस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक लुप्त हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक पाया जाता है? पिरिमिडीन, पिमिमिडीन नहीं, ये पिरिमिडीन है, मिसप्रिंट हो गया। दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है टीमोलोल और चौथा है ग्वानिन। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। आरएनए के बारे में मैंने एक तथ्य और बताया था आपको कि पहले ऑप्शन का जवाब दीजिए फिर बताऊँगा। जिसने जवाब दिया है बी वाला यूरेसिल, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और जो थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब जो आरएनए होता है उसके टाइप्स बताए मैंने, तो मैंने कहा था कि एग्ज़ाम में ऑप्शन आएंगे चार और उसी उतने ही टाइप के आरएनए होते हैं। तो जितने प्रकार के ऑप्शन होते हैं उतने ही प्रकार के क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अब तो कभी नहीं भूलोगे, तो इस तरीके से ही याद करना है। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। प्रकार याद कर लो, फिर ये भी याद हो जाएगा कि एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अगला सवाल है डीएनए अणु का व्यास, ये डीएनए की संरचना है। बार बार इसीलिए लगाता हूँ मैं फोटोज क्योंकि आपको याद हो जाए। डीएनए अणु का व्यास 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20, 30 या 40। ये अंगस्ट्रॉन्ग एक यूनिट होती है व्यास मापने की। डीएनए अणु का बताना है आपको। जिसने 20 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसने 20 जवाब दिया 20 अंगस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मैं ये भी बता दूं आपको कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए होते हैं तीन प्रकार के। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ए डीएनए, एक होता है बी डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। ए बी और जेड डीएनए, ठीक है। तो ए बी जेड डीएनए होते हैं तीन प्रकार के और आरएनए चार प्रकार के होते हैं। और डीएनए अणु का व्यास 20 अंगस्ट्रॉन्ग। जिसने 20 जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, प्रोटीन अणुओं का निर्माण कितने अम्लों से मिलकर होता है? बताना है आपको प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? ए बी सी डी, 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20, 10, डी सी बी ए। जिसने 20 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अमीनो अम्ल बनते हैं वो भी, जो प्रोटीन के अणु बनते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का अणु बनता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, ये सब जानते हो आप। अगला सवाल है हमारा, डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई है। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने 3-4 बार इसीलिए लगाया आज ताकि आपको समझ सको कि ये आरएनए है, ये डीएनए है। डीएनए द्विकुंडलित है, आरएनए एकल सर्पिलाकार है, ओके। तो डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई पूछी है, सिस्टोन, रेकोन, मेकोन और कोई नहीं। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए लाइव चैट बॉक्स में। स्टूडेंट बहुत कम आते हैं तब मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है कि लाइव स्टूडेंट क्यों नहीं आते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। मेरी तकलीफ़ को समझिए थोड़ा, कम से कम स्ट्रेंथ 50 लोग हो तब पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आपको पढ़ने में भी, आंसर देने में भी। तो डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सिस्ट्रॉन, रेकोन, मेकोन, कोई नहीं। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होती है? सिस्ट्रॉन। सबसे जो बड़ी क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है सिस्ट्रॉन। क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कि डीएनए का जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला भाग होता है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला भाग होता है वो होता है सिस्ट्रॉन। कौन सा होता है? सिस्ट्रॉन। वर्किंग यूनिट भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, वर्किंग यूनिट। बिगेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ द डीएनए इज सिस्ट्रॉन। अगला सवाल है, निम्न में से
अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व है। अब आप कहोगे सर अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट इंग्लिश का शब्द हिंदी में कैसे लिख दिया, तो देखो जेट का ये उसूल है, जेट ICRBHU का, PAT का, वहाँ पर कुछ भी आ सकता है सवाल, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व इसको बोलते हैं हिंदी में, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, लोहा, मैंगनीज, आयोडीन और उपयुक्त सभी। बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा तत्व है जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिसने जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व कौन सा होगा, लोहा भी है, मैग्नीज भी है और आयोडीन भी है, तीनों ही अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अति सूक्ष्म पोषक तत्व है और इनकी अति सूक्ष्म मात्रा की हमें ज़रूरत होती है, अति सूक्ष्म मात्रा की हमें ज़रूरत होती है। और अगर पौधों के लिए पूछा जाए तब भी ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट ही है, पौधों को भी इनकी ज़रूरत होती है और हमें भी इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, हमारा शरीर बना ही, हम तो खाते ही पौधे हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी क्या खाते हैं, वो भी एक तरीके से पौधे ही खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, क्योंकि वो जो वेज खा, नॉन वेज खा रहे हैं, उन वेज को, उन उस पौधों को वेज खाते हैं, सॉरी जो पौधे होते हैं उनको जीव खाते हैं और फिर जीव को वो खाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वाला मसला मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ, लोग दिल पे मत लेना आप। अगला सवाल है मेरा, वसा में घुलनशील विटामिन है, ध्यान से समझिएगा इसको, इस बार सुनना ध्यान से, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनिए पूरी कहानी जो सुना रहा हूँ मैं। वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है आपसे, विटामिन, अब विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, कीड़ा होता है या कोई नहीं, ऑप्शन में गलती नहीं है बिल्कुल भी, मैंने जानबूझकर लिखे हैं सब कुछ, सब कुछ बताऊंगा आपको भी। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, कीड़ा या कोई नहीं, अब ये क्या है, जिसको आंसर आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, ये देखो ये क्या है, ये एक प्रकार का कीट है या कीड़ा है, क्या है, कीट है या कीड़ा है। अब मैं आपको बताऊंगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर, देखो कीड़ा, कीड़ा है ये, कीड़े की फोटो आपके दिमाग में चल रही है, कीड़ा, इसको कीड़ा बोलते हैं। अभी मैंने लिखा है यहाँ पर KED और A, क्या हो गया, कीड़ा, KED और K क्या हो गया, कीड़ा हो गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। तो ट्रिक कैसी लगी आपको बताना, विटामिन में जो जो विटामिन है वसा में घुलनशील, उसको सीधा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कीड़ा, क्या याद रखना है, कीड़ा, वसा में घुलनशील जैसे ही विटामिन आपसे पूछता है तो कीड़ा याद रख लेना और कीड़ा की स्पेलिंग लिख लेना KEDA, जिसको मन में लिखनी है मन में लिख लेना और जिसको एक्चुअल में लिखनी है एक्चुअल में लिख लेना कि वसा में घुलनशील विटामिन ये चार हैं KED और A, और बाकी जो सारे बच्चे वो किस में है, जल में घुलनशील है, फिर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, बस सीधी सी बात है, बस ये चार याद कर लिए, हमारा काम खत्म हो गया, वसा के याद है हमें, बाकी जो भी पूछता है सब जल में घुलनशील है, बाकी जो भी अगर आपसे पूछता है विटामिन ए, विटामिन बी पूछ लिया आपसे तो विटामिन बी इसमें नहीं है, दैट मीन्स वो जल में घुलनशील है, विटामिन सी पूछ लिया इसमें नहीं है, दैट मीन्स वो जल में घुलनशील है, अगर विटामिन डी पूछ लिया तो डी तो है इसमें, तो वो किस में है, वो है वसा में घुलनशील। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन है तो बस सीधा सा कीड़ा याद कर लेना कि सर ने बताया था कीड़ा, कीड़ा कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है KEDA, कीड़ा, और ये कीड़ा की फ़ोटो याद रख लेना, इससे आपको कभी नहीं भूलोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, बहुत सारी आएगी, अभी केमिस्ट्री की भी चालू होने वाली है थोड़े दिनों में। अगला सवाल है, किस पोषक तत्व को शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं, किस पोषक तत्व को शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ए और बी दोनों और कोई नहीं, बताना है आपको किस पोषक तत्व को शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं। जिसने जवाब दिया है विटामिन, सॉरी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो शरीर का जैविक ईंधन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम क्या कहते हैं, शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं, शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं, और ये हमारे शरीर को चलाते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखा होगा आपने बहुत बार
जो एनर्जी ड्रिंक होती है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो रूपांतरित अपरूप या रूप है वो क्या है, ग्लूकोज है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से सुनिएगा इसको, शरीर की वृद्धि व मरम्मत कौन सा तत्व करता है, शरीर की वृद्धि व मरम्मत कौन सा तत्व करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। ये सारे ही सवाल सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूँ, और क्लास में पूरी क्लास में लगातार बने रहिए। ये मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्लास में बैठे हैं। मुझे तो ऐसा मतलब मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक पिक्चर देख रहे हैं, हम कोई फिल्म देख रहे हैं, और वो फिल्म हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। एक बार देखी याद, थोड़ी दूसरी बार देखी फिर कभी भूलते ही नहीं। जैसे आप पिक्चर के डायलॉग नहीं भूलते हो, वैसे आप मेरे डायलॉग भी नहीं भूलोगे। बस कॉन्सेंट्रेट से देखना और पूरी देखना, नहीं भूलोगे आप। और अगर थोड़ा कच्चा याद हो तो एक बार फिर से देख लेना, नहीं भूलोगे। तो सवाल था शरीर की वृद्धि में मरम्मत कौन सा तत्व करता है, जिसने जवाब दिया है बी सी वाला, प्रोटीन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। कैसे करता है वृद्धि और मरम्मत बताता हूँ मैं आपको। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद में क्या होता है, मनुष्य या आदमी जो भी जिम जा रहा है वो जिम के अंदर जाता है और डंबल्स उठाता है, बहुत कुछ उठाता है और अपने शरीर को तोड़ता है। अब आप कहोगे सर शरीर को तोड़ता है, ये शब्द कैसे बोला, हम तो शरीर बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पर। आप शरीर बनाने के लिए ही जाते हो, लेकिन होता क्या है, जब आप हेवी वर्क करते हो तो आपके शरीर की जो सेल्स या कोशिकाएँ होती हैं वो टूटने लगती हैं। वो क्या हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, फिर उसके बाद में नई कोशिकाएँ और नए मसल्स, नई मांसपेशियाँ बनती हैं, और उन नई मांसपेशियों को कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। उन नई मांसपेशियों को प्रोटीन बनाता है और उनमें वृद्धि करता है। इसीलिए जब आप जिम में जाते हो तो जिम में आपको एक्सरसाइज के साथ साथ क्या बोला जाता है, प्रोटीन लीजिए बोला जाता है ना। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि आपके शरीर में जो क्षतिपूर्ति हुई है, जो कोशिकाएं, जो मसल्स जो टूटी हैं, उनको वापस से कौन बनाएगा और सही आकार में कौन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर उनको नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती है, फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे जिम करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनको आकार मिलने लगता है। और कुछ समय बाद जैसे ही हम लगभग एक डेढ़ दो ढाई महीने हो जाते हैं तो शरीर की वृद्धि के हिसाब से हमारा शरीर उस शेप में ढल जाता है। और जब हम सेल वापस से जिम जाना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर वापस से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए आपको रेगुलरली जिम जाने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा कि जिम जाओ, नॉर्मली इंसान रहना चाहिए। जिम जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से, शरीर को तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग को दौड़ाओ बस। अगला सवाल है, ज़ीरोथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है, बताइए जल्दी से, विटामिन ए, विटामिन वसा, प्रोटीन या विटामिन के, बताइए जल्दी से। ज़ीरोथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है, फिर इसके लक्षण बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है इस रोग में। जिसने विटामिन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो ज़ीरोथैलेमिया रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण क्या है, एक तो आँखों में जो हमारी आँखों को गीले रखने वाला जो तत्व होता है वो तत्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी कमी हो जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आँखों की जो पुतली होती है गोल गोल, जिससे हम देखते हैं, जिसको हम हीरा भी बोलते हैं या लेंस बोलते हैं, वो धीरे धीरे धुंधला होने लग जाता है और हमारी आई साइट जो है वो वीक होने लगती है। और ये लक्षण किसके हैं, ज़ीरोथैलेमिया के लक्षण हैं। और ये एक आँख से संबंधित बीमारी होती है। किससे संबंधित बीमारी होती है, आँख से संबंधित बीमारी होती है। और आँख से संबंधित एक बीमारी और होती है जिसको हम बोलते हैं रतौंधी रोग। जो रतौंधी रोग होता है वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं कि रात को कम दिखाई देना, इसके ये लक्षण भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है आपको। विटामिन डी का रासायनिक नाम, थायमीन, साइटोसिन, कैल्सिफेरॉल और कोई नहीं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, जिसने कोई नहीं जवाब दिया गलत है, जिसने साइटोसिन जवाब दिया वो भी गलत है, जिसने थायमिन जवाब दिया वो भी गलत है।
जिसने कैल्सीफेरोल ना जवाब दिया है उनका सही है। कैल्सीफेरोल क्या होता है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी होता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में कब बनता है? देखो, जब सुबह सुबह सूर्य की लाल रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, तब उस दौरान हमारी हड्डियों के अंदर क्या बनता है, जब धीमी धूप होती है तब बनता है विटामिन डी, जो हमारी शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी, कभी कभी आपने देखा होगा गांव के जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं या सिटी में कुछ लोग होते हैं, वो सर्दियों के समय बाहर बैठे होते हैं धूप में, तो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि धूप सेक रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो विटामिन डी ले रहे हैं, तो विटामिन डी कब बनता है? सुबह सुबह ही बनता है, वो जब लाल रोशनी होती है उसकी, सूरज की, तभी। जब अस्त होता है तब वाली रोशनी से नहीं बनता है, और उसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है बताना है आपको? कार्बोहाइड्रेट क्या है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या ग्लूकोज? चार ऑप्शन है आपके पास। कार्बोहाइड्रेट क्या है बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जिसने जवाब दिया है ग्लूकोज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। पहले भी मैंने सवाल बता चुका हूँ मैं आपको, सवाल बार बार आ जाते हैं, घूम के कोई दिक्कत नहीं है। बार बार क्या, ये दूसरी बार ही आया है। रिपीटेड सवाल ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और बार बार रिपीटेड किए हुए होते हैं, मैं उन्हीं को इंक्लूड करता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ग्लूकोज है। अगला सवाल है हमारा, एक सामान्य पुरुष को एक दिन में कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1200 किलो कैलोरी, 1500, 2500 या 5000? बताइए, 1200, 1500, 2500 या 5000, कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? जिसने 2500 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, अगर वो पुरुष सामान्य है तो। अगर वो पुरुष ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है तब कम होगी, या ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है तब उसके शरीर के हिसाब से होगी। तो आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, मलेरिया दवाई में कौन सा तत्व उपयोगी है? मलेरिया दवाई में कौन सा तत्व उपयोगी है? अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अभी जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से बताऊंगा कैसे। पहले जवाब दीजिए, मलेरिया दवाई में कौन सा तत्व उपयोगी है? मॉर्फिन, कोडीन, क्लोरोक्विन और कुनेन की छाल, जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है कुनेन की छाल, गलत जवाब है आपका। और जिसने जवाब दिया है क्लोरोक्विन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? क्लोरोक्विन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? क्लोरोक्विन से बनाई जाती है। अब बताता हूँ, देखो क्यों इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी जो कोरोना के मरीज़ हैं वो इसी दवाई से ठीक हो रहे हैं। किससे ठीक हो रहे हैं? क्लोरोक्विन से ठीक हो रहे हैं। किससे ठीक हो रहे हैं? क्लोरोक्विन से ठीक हो रहे हैं। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो बीमारी हुई है कोरोना वायरस, उसका दवाई कौन सी है? तो क्लोरोक्विन उसकी दवाई है। क्लोरोक्विन से मरीज ठीक हो रहे हैं। और जो क्लोरोक्विन होती है दवाई, वो मलेरिया में भी काम आती है। और क्लोरोक्विन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे जहाँ पर क्लोरोक्विन बनाई जाती है, वो देश है भारत। देखो भारत का नाम लेते ही कैसे आपका सीना चौड़ा हो जाता है। भारत देश रंगीला देश है। तो सबसे ज़्यादा मलेरिया की दवा कहाँ बनाई जाती है? भारत में बनाई जाती है। मलेरिया में कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। और कोरोना में भी अभी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये धमाकेदार क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।